श्रीलंका में वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग ने 23 पीस सागवान की लकड़ी के साथ वन माफिया अलाउद्दीन मियां उर्फ आफा को गिरफ्तार किया है। वन माफिया अलामुद्दीन उर्फ आफा को वन विभाग की टीम ने मसानजोर थाना क्षेत्र के ताल डंगाल से उस वक्त गिरफ्तार किया जब आफा अपने कुछ गुंडों के साथ वन विभाग द्वारा जब्त लकड़ियों को जबरन छुड़ाने पहुंचा था। दुमका के हिजला पूर्वी रेंज के वन क्षेत्र पदाधिकारी बीएन प्रसाद के अनुसार टोंगड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा खरखी गांव का रहने वाला वन माफिया अलाउद्दीन मियां उर्फ आफा के आतंक से लपसापाड़ा जंगल के आसपास रहने वाले लोग दहशत में थे। अलाउद्दीन मियां अक्सर वन रक्षियों को भी धमकी देता था और वन क्षेत्र में दहशत फैलाकर अपनी दबंगई की बदौलत जंगलों से अवैध रूप से पेड़ काटकर लकड़ी की तस्करी करता था। जानकारी के मुताबिक लपसापाड़ा जंगल से अवैध रूप से सागवान के कुछ पेड़ को काटकर एक गाड़ी में लोड किए जाने की सूचना वन विभाग को मिली थी। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र पदाधिकारी बीएन प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी की टीम शादे लिबास में ताल डंगाल पहुंची और अवैध रूप से सागवान की 23 पीस लकड़ियों को ले जाए जा रहे पिकअप वैन को रोका। छापेमारी टीम को देखते ही गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर वन माफिया अलाउद्दीन मियां अपने कुछ गुंडों के साथ पहुंचा और गाड़ी को जबरन छापेमारी टीम से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन छापेमारी टीम ने अलाउद्दीन मियां के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। हम लोग आज जो है कल 12 तारीख को संध्या से लगभग 5:30 बजे सूचना मिली कि लपसापाड़ा जंगल में सागवान का पेड़ काट अवैध रूप से काट कर उसको गाड़ी पर लोड किया जा रहा है। उसके बाद मेरे द्वारा जो है पूरा गश्ती दल का गठन किया गया और सीधे लवास सीधे मैंने सादा ड्रेस में प्राइवेट वाहन के साथ सभी गश्ती दल को भेजा गया। जिसे ये लोग जो है सिंगारी मसलिया रोड पर तालडंगाल के पास पहुंचे तो वहां देखा कि एक गाड़ी उधर से आ रहा है। उसको हाथ देने के बाद वो तेजी से गाड़ी को लेकर के भागने लगा। उसके बाद बनगस्ती द्वारा जो है उसका पीछा किया गया तो चालक जो है बहुत दूर कुछ दूर जा करके गाड़ी छोड़ के गाँव में घुस गया और अंधेरे के लाभ लेकर के भाग गया। उसी के 10 मिनट के बाद जो है जो मेन वन माफिया था अलाउद्दीन अंसारी उस आफा वो जो है अपने 10-12 गुंडा के साथ पहुंचा और जबरदस्ती करके गाड़ी छुड़ाने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग पहले भी इस तरह का ही घटना कर चुका था, इसलिए हम लोग पहले सतर्क थे और जनसंख्या में भी ज्यादा थे, इसलिए उसके प्रयास को विफल करते हुए उसी को हम लोग गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करके गिरफ्तारभियुक्त और जब्त गाड़ी को हम लोग बंद परिसर रानी बहाल में ला करके रखे और अभियुक्त को आज के डेट में अभी जो है हाजत में रख करके कल उसको जेल भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ा साथी अपराधी है और कई बार जो है ये धमकी दे चुका है कि जो मेरे गाड़ी को पकड़ेगा उसको हम जब जंगल में ही मार के फेंक देंगे। इसे वहाँ के वनरक्षी दहशत में रहते थे और अकेले कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे और इसके चलते इसका पूरा मनोबल बढ़ा हुआ था। ये इतना दहशत फैला रखा था कि आसपास के ग्रामीण डर से इसके बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। इसलिए वन विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा माफिया को पकड़ लिया गया जो कि हर तरह से सक्षम था।